नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज में, हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां थाना आधारताल में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि चौधरी मोहल्ला निवासी सागर चौधरी पहने अपने पास पिस्तल रखा हुआ है तथा व्हीकल रेलवे पुल के पास नीचे काली मंदिर के पास कोई घटना करने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश्ती गई रेलवे पुल के नीचे काली मंदिर के पास मुखबिर के बताए होलिये का युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम सागर चौधरी, शिव मंदिर के पास चौधरी मोहल्ला बेलबाग बताया। सूचना से अवगत कराते हुए तलाशी लेने पर कमर में फुल पेंट के दाहिने तरफ एक देशी पिस्तल खोसे मिला। चेक करने पर मैगजीन में 3 कारतूस लोड मिले। आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्तल एवं 3 कारतूस जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त पिस्तल एवं कारतूस कहां से एवं किससे प्राप्त किए गए हैं, संबंध में पूछताछ जारी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्षेत्रांतर्गत एक सागर चौधरी है, जो चौधरी मोहल्ला बेलबाग के रहने वाले हैं। इनसे एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है और इनके विरुद्ध थाना आधारताल में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये इसमें पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो वहाँ बैंक में किसी से कोई बात हुई थी, उसका कुछ लेन देन का मामला था, तो कुछ पैसे लेने गए थे वो, और तत्काल में तो उस समय कोई घटना कारित करने के संबंध में कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि इनके पास आर्म्स, अवैध आर्म्स इनके पास पाया गया, तो ये निसंदेह ये अभी या बाद में घटना निश्चित रूप से कारित करते, जैसे इनको जो भी इसको ऐसा मौका मिलता तो निश्चित रूप से घटना कारित करते। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।